वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो बेसिकली आज के स्टूडियो के अंदर यहाँ पे हम नियो कॉइन को, यहाँ पे नियो कॉइन के ऊपर जितने भी चार्ट बन सके वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और कितना हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक टीआरबी अगर आप देखोगे तो आपने टीआरबी की जो बाइंग है बहुत ही अच्छी खासी थी, जिसको हर किसी ने, बहुत से ऐसे लोगों ने जिसको मिस कर चुका है, जो कि ऑलरेडी अगर टीआरबी की बात करें तो $12-13 के आसपास में आया था। यहाँ से छलांग की अगर बात करूं तो 600% के ऊपर यहाँ पे पंप किया इसने। लेकिन क्या वो अपॉर्चुनिटी अपने को यहाँ पे नियो के अंदर देखने के लिए मिल रहा है क्या वो अपॉर्चुनिटी? तो यहाँ पे नियो को कंपेयर करेंगे हम टीआरबी के साथ में। ओके, तो वीडियो को पूरा वॉच करना, कितना यहाँ पे हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं सारा चीज यहाँ पे मैं आपको लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना और सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके के अपडेट्स के लिए। आपके नजर में अगर कोई भी कॉइन्स हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मुझे मैसेज करना, जिसके ऊपर मैं जरूर आप लोग को एक वीडियो शेयर करूंगा। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। मोर देन ऐसे कुछ अपडेट्स होते हैं वहां पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम टीआरबी का चार्ट, ये राइट साइड वाला है आपका, और लेफ्ट साइड वाला जो चार्ट है ये नियो का चार्ट है। दोनों चार्ट को यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं। ओके, दोनों चार्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं टीआरबी के चार्ट के ऊपर। टीआरबी के चार्ट के ऊपर अगर हम मंथली कैंडल के ऊपर जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो पिछले 2 महीने में ये बहुत बड़ा एक उछाल मारा। लेकिन यहीं पे अगर मैं यहाँ पे नियो के चार्ट के ऊपर जाऊं एज अ मंथली कैंडल के अंदर, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये पहला मंथ यहाँ पे, दूसरा मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जो कि एज अ रनिंग मंथ है, जो कि 20 दिन क्लोजिंग को बाकी है। बाकी एक क्लोजिंग इसने अच्छा खासा यहाँ पे किया और सेम इट इज सेम चीज। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है $164 यहाँ पे टीआरबी का अपने को शो कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसकी बात करें नियो की, तो अप्रोक्सीमेटली $140 के आसपास यहाँ पे ये भी शो कर रहा है नियो का चार्ट। ओके, अब यहाँ पे दोनों चार्ट के ऊपर हम आते हैं वन डे के चार्ट के अंदर। फर्स्ट मैं 1 वीक के ऊपर आऊंगा, उसके बाद 1 डे के ऊपर। अब क्या पोजिशन होगा हमारा बाय करने का ना, उसके ऊपर भी हम टारगेट करेंगे। और यहाँ पे पूरा वीडियो देखना कि कौन सा पोजीशन हमारा होगा यहाँ पे बाय करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप नियो के चार्ट को देखोगे तो एक रेजिस्टेंस के एरिया पे नियो आके बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि पिछले टाइम यहीं से मार्केट डंप हुआ था। लेकिन क्या इसको ब्रेकआउट करने के बाद नियो कहाँ जाएगा? अगर इसको यहाँ पे सडनली ब्रेकआउट करता है एज अ वीकेंड चार्ट के अंदर, तो नियो का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे सीधा अपने को दिख रहा है यहाँ पे $28 का, यानी कि यहाँ से 13 दुनी 26, मतलब 2 गुने के ऊपर का हमें नियो में प्रॉफिट इजिली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये वीकली है, कहीं ना कहीं वीकली का जो रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेकआउट होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे बायर आते हैं, जो कि मंथली वाले वीकली वाले बड़े प्लेयर्स इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करते हो, बनाते भी हैं। सेम इसी तरीके से टीआरबी जब आप देख पा रहे थे जो अप्रोक्सीमेटली $40 के आसपास में यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ समय बाद जैसे इसने होल्डिंग बनाया और उसके बाद डायरेक्टली इसने इस एरिया को ब्रेकआउट किया जो कि $73 का एरिया है, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे $144 भी इसने यहाँ पे टच कर दिया। ओके, अब ये दो चार्ट हमने यहाँ पे समझा कि दोनों का चार्ट को सेम अपने को डिक्टू देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आरएसआई की बात करें तो 60-70 का यहाँ पे आरएसआई यहाँ पे चल रहा है किसका? नियो का। अभी हम इसके अंदर वन डे के चार्ट में आ जाएंगे और वन डे के चार्ट में देखते हैं। अब वन डे के चार्ट में अगर हम टीआरबी के चार्ट को देखो तो अप ट्रेंड के अंदर फॉलो कर रहा है मार्केट, कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर। और सेम इसी तरीके से अगर मैं नियो के चार्ट के अंदर आऊं तो नियो का चार्ट भी जो है एज अ अप ट्रेंड के अंदर अपने आप को फॉलो कर रहा है। अगर आपने इधर नोट किया होगा तो ये पॉइंट को नोट करो, हाई रिटेस्ट। हाँ, इसको रिटेस्ट में बोलूंगा मैं, इसको लो नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिटेस्ट का फायदा कुछ अलग होता है और इसको आप लो भी बोल सकते हो, हाई लो, हाई लो। दैट इज ये जो है अभी हाई के ऊपर हाई नहीं बना, यानी कि इसको हम साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं क्योंकि सडनली सेम सिनेरियो के ऊपर मार्केट चल रहा है। ओके, यहाँ पे सेम सिनेरियो के ऊपर मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे हम इसको साइडवेज ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने एक चीज देखा होगा तो इस चीज को यहाँ पे नोट करो, ये मार्केट जो यहाँ पे इसको सडनली ब्रेकआउट किया है उसके बाद एक कैंडल और उसके बाद 5 दिन से पिछले एक ही जगह पे चल रहा है साइडवेज मार्केट, यानी कि जब ये $13 क्लोजिंग देता है ये वीक में, यानी कि मंडे के आसपास में $13 का क्लोजिंग देता है उसके ऊपर का 14 के आसपास, तो ये अपने को इजीली कितना देखने के लिए मिला? $28, यानी कि 2x का प्रॉफिट अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।
अब सेम वनडे के चार्ट में यहाँ पे भी कुछ अगर आपने नोट किया होगा तो इस चार्ट को भी यहाँ पे आप देख लो कि जब टीआरबी का टीआरबी जब था यहाँ से देखिए ब्रेकआउट किया और काफी टाइम से स्टेप के अंदर चल रहा था, अचानक में फिर ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर साइडवेज होते हुए मार्केट इसने सडनली ऊपर 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 फ्लो किया अपने आप को। ओके, अब सेम अपने को यहाँ पे नियो के अंदर यही चीज सेम चीज एटलीस्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है कि नियो का जो ईएमए है ऑलमोस्ट $10 के आसपास है, 20 EMA काफी दूर है भी, इसलिए मार्केट एक जगह पे मोमेंट दे रहा है और ये जैसी जैसी आरएसआई ऊपर की तरफ आएगा तो नियो के अंदर एक बड़ी उछाल अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। चलो अभी हम नियो के चार्ट को ना एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे मैं कवरअप करता हूँ, तो सॉरी बड़े चार्ट के ऊपर कवरअप करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या आपको छोटा देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं इसके चार्ट को ना फुल्ली यहाँ पे क्लियर करेंगे और एक नया चार्ट यहाँ बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें जो ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, हाँ कंटिन्यू देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से यहाँ पे फॉलो कर रहा है अपने आप को। प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, ऑलमोस्ट प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है। अब अपना बाइंग एंड सेलिंग दोनों टारगेट के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाँ ये जो प्राइस है ये हम वीक को भी यहाँ पे पकड़ेंगे क्योंकि वीक कहीं ना कहीं एक छोटे टाइम फ्रेम की वजह से बनता है, कहीं पे मार्केट 1 सेकेंड में 1 मिनट में 5 मिनट में ऊपर गया और नीचे आ गया, या तो वहां पे रुका हो धीरे धीरे बड़ी क्लोजिंग नीचे किया तो वहां पे एक वीक बन जाता है। ये वीक है $15 का है, 15.6 का यहाँ पे वीक है, 30 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे ईएमए दूर है इसीलिए मार्केट रुका हुआ है, जैसे जैसे ईएमए ऊपर आएगा ये मार्केट ऊपर जाने का चांस बढ़ जाएगा। अभी $15 का है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा हमें वेट करना है, हाँ बाइंग का भी वेट करना है। तो अभी 4 घंटे के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे एक चीज को नोट करना, इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे रिटेस्ट किया, सडनली एक बड़ी बाइंग आई और कब से मार्केट को सडनली एक ही जगह पे यहाँ पे बार बार अपने आप को मूवमेंट कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे 4 हॉर्स का ना एक सपोर्ट यहाँ पे हम इजिली यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कि यार मार्केट अगर आता भी है तो कितना टाइम में अगर इसको टच करता है तो हो सके बड़ी बाइंग आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे एक अलर्ट लगा के बैठ चुके हैं कि यार ये प्राइस है ये इनका क्रॉस अप, इस तरीके से ना लोग यहाँ पे ना अप ट्रेंड का ऐसा अलर्ट लगा के बैठ चुके हैं कि जिस दिन प्राइस आके इसको टच करेगा तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन को बनाएंगे। लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे फुल्ली साइडवेज मोड के अंदर यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है अपने आप को ये रेंज के अंदर। अब ये रेंज अगर ब्रेकआउट करे तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो अपना भी बाइंग का टारगेट अभी हम बात करेंगे क्योंकि हमने अभी तक देख लिया ये यहाँ पे ये सारा का सारा प्राइस जो है ना अपने को साइडवेज देखने के लिए मिल रहा है। और अगर इसके अंदर आपको 100-150 डॉलर के ऊपर अगर आपको नियो देखना है तो दोस्तों नियो को आपको होल्ड करना पड़ेगा। और आपको ये रैली जो यहाँ पे अपने को टीआरबी के अंदर देखने के लिए मिला है सेम रैली आपको नियो के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि नियो काफी टाइम से स्टेबल एक जगह पे रुका हुआ है। आरएसई की बात करें तो 58 4 घंटे में आरएसई चल रहा है, तो अब मार्केट का अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि एक टॉप यहाँ पे दो टॉप तीसरा टॉप यहाँ पे मार्केट ने बना चुका है और ईएमए 20 जो है यहाँ पे $13 के आसपास में चल रहा है। अब मार्केट को बार बार बाइंग प्रेशर ले रहा है, अगर अपने को एक अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ का मिलता है 12.2 का, हाँ 12.2 का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे बनता है अगर आप एक होल्डर हो तो, हाँ इस एरिया पे। और दूसरा एक प्राइस अपने को ना 11 का, अब इसके अंदर ना मैं एक ट्रेप आपको बताऊंगा कि 11 मार्केट आ सकता है कि नहीं आ सकता उसके बारे में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडल है इसको मैं यहाँ पे रेड एक इसके ऊपर मैं एक रेड लेता हूँ, अगर मैं ये रेड जो ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है मैंने रेड फ्लो किया, अब इसको मैं वनडे के चार्ट में अगर देखूँ तो कितना मार्केट को नीचे आना पड़ेगा क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट करके इसी के अंदर खेल रहा है, यानी कि प्राइस को यहाँ तक आना पड़ेगा। अब सेकेंड हम वीकेंड में देखते हैं क्या वीकेंड में चांसेस है मार्केट का आने का, तो दोस्तों मार्केट ना ऑलरेडी वीकेंड में यहाँ पे आया हुआ है जो कि कल का शायद क्रेसिंग जो हुआ था उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है। अब इसी को टच करने के साथ में एक चीज का और आप नोट यहाँ पे करना कि ये जो प्राइस है यहाँ से जो गिरा हुआ था ऑलरेडी इसको रिटेस्ट प्राइस वीकेंड में कर चुका है, वीकेंड की कैंडल को मात्र 2 दिन 12 घंटा और बचे हुए हैं क्लोजिंग करने के लिए। जैसे ये क्लोजिंग करेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही कहीं क्लोजिंग दे सकता है, और जब भी ये $13 $14-15 के आसपास में भी अगर ये क्लोजिंग दे देता है वीकेंड की क्लोजिंग यानी कि मंडे की क्लोजिंग, तो ये बहुत जबरदस्त अपने को यहाँ पे इसके अंदर एक बाइंग देखने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्या अभी हम इस समय इसको होल्ड कर सकते हैं बाई करने के लिए, तो इसको अगर अभी आपको होल्ड करना है तो आप ये देखो आपको पहला तो 12 के
के आसपास में आपको मिलना चाहिए कुछ क्वांटिटी, पार्ट टू पार्ट बाय करना अगर आप स्पोर्ट या फ्यूचर कहीं भी करो। फ्यूचर में मैं तो बोलता हूँ दोस्तों ट्रेडिंग करना चाहिए, होल्डिंग के टारगेट में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको मालूम है जब बड़ा करेक्शन लेता है तो ऐसे लेके जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ होगा, दूसरा आपको ये ट्रेंड लाइन के ऊपर टारगेट रखना है। ये ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन को टच किया तो मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बाइंग अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये दो बाइंग का एरिया मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट अपना जो बाइंग एंट्री पॉइंट होगा एक ये एंट्री पॉइंट होगा, दूसरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा। दोनों के बीच में जो गैप अप अपना बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 10% का गैप अप बन रहा है। ओके, दोनों बाइंग के बीच में अपने को 10% का गैप मिल रहा है। तो ये दो टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब टारगेट, अब अपने को टारगेट भी तो डिसाइड करना है कि टारगेट क्या रखें। तो चलो टारगेट के ऊपर बात करते हैं। अब यहां से फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा ऑलमोस्ट ये है $15 के आसपास का। अगर 12 पे मिलता है तो $3 का प्रॉफिट है। और उसके बाद तो दोस्तों एक बड़ी साफ रैली अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो $19, $22, देन हाईएस्ट है $28। ये वन डे के हिसाब से, अगर आप इसको मंथली के कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो मंथली में एक जबरदस्त आपको होल्डिंग के हिसाब से मिलेगा। जैसे टीआरबी के ऊपर मैं अगर आऊँ और मंथली कैंडल्स अगर मैं यहाँ पे टीआरबी का यहाँ पे देखूँ तो टीआरबी आपको मात्र 2 महीने में ही ये प्रॉफिट जबरदस्त, तीसरे महीने तक में तो जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। सेम उसी तरीके से जब ये कैंडल्स यहाँ पे 20 MA के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कैसे ना कैसे बनाता है, 20 दिन अभी बचे हुए हैं यहाँ पे क्लोजिंग बनाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को डबल बॉटम भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा तो ये पहला बॉटम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और इसी के साथ में यहाँ पे ये दूसरा बॉटम आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए ये दो चीज देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, जस्ट बस इसको ना एक ब्रेकआउट यहाँ पे करना है, यहाँ पे रिटेस्ट करना है, यहाँ से बड़ा फ्लो अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बड़ा फ्लो होगा। कोई एक महीना ऐसा आएगा ना ये महीने की क्लोजिंग के बाद, या तो ये महीना जैसी क्लोजिंग 15 के ऊपर करेगा तो एक बड़ा फ्लो अपने को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, जहां पे नियो में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का पूरा चांसेस है। तो आइए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बना होगा कि नियो हम होल्ड करें कि नहीं करें इस तरीके से, क्योंकि ये चार्ट के अंदर मुझे कुछ पावरफुल कुछ सिग्नल्स दिख रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर यहाँ पे किया। तो यहाँ पे चाहे तो आप नियो के अंदर होल्डिंग बना सकते हो, जो जो पॉइंट आप लोग के साथ मैं यहाँ पे सजेशन किया, और अच्छा खासा प्रॉफिट देने का चांसेस यहाँ पे अपने को नियो के अंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो को यहाँ पे करेंगे क्लोज, मिलेंगे आपको किसी दूसरे वीडियो के अंदर।